जमादार को, कर्मचारियों को अवगत कराया गया, आयुक्त को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। पिछले एक साल से हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ना नालों की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो रही है। जमादार को, कर्मचारियों को अवगत कराया गया, आयुक्त को अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। क्या हमें इस शहर में रहने का अधिकार नहीं है? क्या हम माइनॉरिटी हैं जो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है? प्लीज़ इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। हमारे सभी से आग्रह है कि हमें इस समस्या से निजात दिलाएं। धन्यवाद। नाम आपका? मोहम्मद शौकीन कुरैशी। समस्या गंभीर है, आज से नहीं, जब से वार्ड से जीते हैं। जब प्रीति शर्मा का वार्ड है जहां हम खड़े हैं पुलिस चौकी के पास, वो आके जब से जीती है कभी इस वार्ड में उन्होंने आके कदम नहीं रखा। उसके भी समस्या है, नालों की, लाइट की, गंदगी की, वो भी हम हल कराते हैं और हम ही शिकायत करते हैं, वो आके खड़ी नहीं होती। बार बार प्रयास करने के बाद में भी वो उसके समझ में नहीं आती। दूसरा, इन वार्डों की समस्या, नगर पुलिस से लेके गलत तक बार बार शिकायत कर चुके हैं। अभी इसी महीने में तीन दफे मैंने शिकायत कर चुकी है, कमिश्नर से लेके, कलेक्टर से लेके, एजीएम से लेके, सबको ज्ञापन दिया चुका है, वार्ड वासियों ने भी ज्ञापन दिया। मैं बार बार शिकायत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये नहीं हुई। आज की चेतावनी थी कि हमारा रमजान माह चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, ये जुमे से पहले इस कहना नालों की सफाई हो। बस ये कर्मचारी आए, ये डांट निकाल के कचरे की झाड़ू सफाई करके चले जाएंगे, आज तक अभी गैंग का पता नहीं है। इसलिए मजबूरन शहर के मुसलमान और वार्डवासी सड़कों पे आएंगे, शांति व्यवस्था खराब होगी। मैं एसपी तक को भी कहना ज्ञापन दे के आ चुका हूँ। इसलिए मेहरबानी करके इसको जल्द से जल्द लगाए। गई साल हमने निजी, हमारा क्या नाम मीट मर्चेंट एसोसिएशन की यूनिट से 14,000 रुपए लगा के हमने नालों की सफाई कराई। उसके बाद में आज तक नगर परिषद ने कुछ नहीं किया। जिसको कहते हैं वो पल्ला झाड़ लेते हैं, मजबूरन हमें रोड पे आके और धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे। हमारा पशुओं का ये हाल है, यहाँ मेला लगा हुआ, कुत्तों का, जानवरों का, कोई परवाह नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है, आम जनता परेशान है, पूरा शहर परेशान है। इसलिए मेहरबानी करके इसका समाधान करें, नहीं तो वरना हमें कुछ दूसरा कदम उठाना पड़ेगा।